गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड। 10 बड़ी खबरों के साथ लेकर आई हूं मैं शुभांगनी आज का काउंटडाउन। तो चलिए सुपर स्पीड से शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। नंबर 1, शाहरुख खान की जवान की शूटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं अब राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बन रही डंकी की शूटिंग चल रही है। सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान डंकी की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे हैं। राजकुमार हिरानी और शाहरुख आज यानी 24 अप्रैल से कश्मीर में डंकी के एक हिस्से की शूटिंग करेंगे। बता दें कि ये एक सॉन्ग की शूटिंग है जिसे गणेश आचार्य कोरियोग्राफ करेंगे। नंबर 2, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का 3 दिन का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ गई है। दरअसल इंडिया भर में 4,500 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज हुई किसी का भाई किसी की जान ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन यानी पहले सैटरडे को सलमान की फिल्म ने 25.75 करोड़ रुपए की कमाई की और थर्ड डे पर यानी कि संडे को 26.61 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म ने अब तक टोटल 68.17 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है। नंबर 3, अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन को लेकर धांसू अपडेट सामने आई है। अब ये फिल्म दिवाली 2024 में रिलीज नहीं होगी। बताया जा रहा है कि अजय और रोहित अपनी फिल्म को अगले साल 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी कि 15 अगस्त को थिएटर में रिलीज करेंगे। नंबर 4, आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की मोस्ट अवेटेड फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के फैंस इस फिल्म को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं। और हाल ही में पूजा की एक झलक देखने के बाद उनकी ये बेकरारी काफी बढ़ गई है। और अब अपडेट आ रही है कि आयुष्मान खुराना की फिल्म की रिलीज डेट जो कि पहले 7 जुलाई 2023 थी उसको बदल करके 25 अगस्त 2023 कर दी गई है। और इसके पीछे की वजह फिल्म का VFX है जिस पर मेकर अभी काम कर रहे हैं। नंबर 5, अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी 3 एक बार फिर से लीगल पचड़ों में आ गई है। दरअसल टी सीरीज के बाद अब इरोज इंटरनेशनल भी मैदान में कूद गया है। एज पर रिपोर्ट्स, इरोज ने दावा किया है कि उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ टाइटल डिजिटल राइट्स और म्यूजिक राइट्स सोल एंड एक्सक्लूसिव बेसिस पर है और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इरोज ने ये भी दावा किया है कि उसके पास वेलकम बैक के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। अब जब तक फिरोज सेटलमेंट नहीं करेंगे हेरा फेरी 3 पर काम नहीं हो सकता है। नंबर 6, विद्युत जामवाल की फिल्म IB71 का ट्रेलर आज यानी कि 24 अप्रैल को आउट कर दिया गया है। ट्रेलर में वो दमदार एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेलर में विद्युत कॉम्प्लिकेटेड अंडरकवर ऑपरेशन की दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ट्रेलर को रिलीज के साथ विद्युत ने साफ किया है कि फिल्म 12 मई को थिएटर में आ रही है। नंबर 7, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की OTT रिलीज को लेकर अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की ये फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मिड मई में किसी का भाई किसी की जान Zee5 पर रिलीज हो सकती है। नंबर 8, मेकर विपुल अमृतलाल शाह ने अपनी अपकमिंग हार्ड हिटिंग सोशल ड्रामा द केरला स्टोरी की रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट की है। आदर्श शर्मा की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म 5 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। ये फिल्म ग्लोबल टेरर आउटफिट ISIS और भारतीय राज्य केरल में उनकी एक्टिविटीज पर बेस्ड है। नंबर 9, अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसके बाद वो खूब चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल ट्विटर ने एक ऐसे यूजर्स के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था जिन्होंने ब्लू प्लान का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। इस बीच अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है और उन्हें ब्लू टिक वापस दे दें। लेकिन 2 दिन पहले ट्विटर ने ब्लू टिक को लेकर अपनी पॉलिसी बदल दी। अब 10 लाख से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स होने पर बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी यूजर्स को ब्लू टिक जरूर मिलेगा। ऐसे में अमिताभ को अब घाटा हो गया है जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। नंबर 10, उर्वशी रौतेला ने खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले उमर संधू को डिफेमेशन का नोटिस भेजा है। उर्वशी ने उमर के खिलाफ फेक न्यूज दिखाने का आरोप लगाया है। दरअसल उमर संधू ने अपने ट्विटर हैंडल पर उर्वशी और साउथ एक्टर अखिल अकिनेनी के साथ एक फोटो शेयर किया था। इस फोटो के साथ उसने लिखा था कि शूटिंग के वक्त अखिल ने उर्वशी का हैरेसमेंट किया है। ऐसे में इन सबको देखने के बाद उर्वशी का पारा हाई हो गया और उन्होंने नोटिस भेज दिया। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।